नमस्ते, वेलकम टू टिया टैरो कंसल्टेशन। मैं आज और एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में करेंट फीलिंग क्या है, एक्चुअली करेंट फीलिंग क्या है। ये रीडिंग मैं पहले भी दे चुकी हूँ, मगर करेंट फीलिंग तो चेंज होता है, इसीलिए अभी जो है ये टाइम में एक्चुअली करेंट फीलिंग आपका जो पार्टनर है, आप जिनके बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोच रहे हो वो क्या सोच रहे, इसके लिए आज का ये रीडिंग। इसीलिए लेके आई हूँ पाइल वन, ये वायलेट कलर का जो फ्लावर है इसके साथ, पाइल टू रेड कलर के फ्लावर के साथ, एंड पाइल थ्री व्हाइट कलर की फ्लावर के साथ। ठीक है, और आप अभी थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और कौन सा कलर आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे उसको चॉइस कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी रेजोनेट कर सकते हैं। फिलहाल करंट एनर्जी में बोल रही हूँ, मगर कभी भी रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। आपकी एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, आप एक से ज्यादा भी पाइल चूज कर सकते हो। तो टेक अ डीप ब्रीथ एंड चॉइस योर फ्लावर, विच फ्लावर एक्चुअली अट्रैक्टेड योर आईज, तो उसको थोड़ा आप चॉइस कीजिए। होप आपको पसंद आ गया होगा कि कौन सा कलर आपको चॉइस करना है, कौन सा पाइल चॉइस करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा आज का रीडिंग। वायलेट कलर का फ्लावर जिन लोगों ने पसंद किए थे पाइल वन, उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये लॉकडाउन है, नो कॉन्टेक्ट है इस हालत में, या ऑफ एंड ऑन कॉन्टेक्ट है, हो सकता है मैरिड हो सकता है दोनों अनमैरिड हो, एनी हाउ ये हालत में आपको जानने का इच्छा हो रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे में रियली क्या सोच रहा है या सोच रही है, उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। पाइल वन, पाइल वन में ओके फर्स्ट आया है एट ऑफ सॉर्ड्स, द मून काफी डिप्रेस्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ठीक है, तो ये है पाइल वन का कार्ड। ठीक है, तो पाइल वन का जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप लोग एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, ये चार साइन में कुछ भी हो सकते हो, मतलब सब साइन के लोग के अंदर ही ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, आपका जो एनर्जी है इसके साथ मैच हो तो वो कोई भी साइन का आप हो सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर साइन मुझे अलग से दिखाई नहीं दे रहा, हर कलर साइन का भी हो सकता है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, इसके अंदर कोई भी साइन का आप और आपका पार्टनर होंगे। राइट, तो अभी का जो हालत है मुझे जो दिखाई दे रहा है, अभी तो नो कॉन्टेक्ट में हो या वेरी फ्यू ऑफ एंड ऑन कॉन्टेक्ट में हो, कॉन्टेक्ट मतलब आपको जितना चाहिए कि आपकी पार्टनर आपसे बात करे, आपको प्यार कम से कम प्यार का एहसास तो, मतलब थोड़ा सा इजहार तो करे, नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ऑफ एंड ऑन है, कभी तो कर दिया, कभी तो ऐसा बिहेवियर करेगा या करेगी जैसे आपसे उत्तर देने का, मैसेज का उत्तर देने का भी दरकार नहीं होगा, उनका टोटली इग्नोर कर देंगे। ये एक हालत में आपका जो पाइल वन का है वो पर्सन है, कभी तो आंसर हो जाएगा, कभी एकदम आंसर ही नहीं करेंगे, अदरवाइज आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो, बहुत खराब कॉन्टेक्ट है, इसको मैं अच्छा नहीं बोल सकती, कभी लगेगा बहुत प्यार है, कभी एकदम मतलब डिसरेस्पेक्ट फील करते हो आप। ये पाइल वन का जो लोग है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इसमें, 100% थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, हो सकता है मैरिड, आप मैरिड हो, वो मैरिड है, दोनों की दोनों मैरिड हो, उनको आगे आने में बहुत डर है, डिप्रेशन है, इसीलिए देखिए मून कार्ड आया है, मून कार्ड आया है, देखिए मून कार्ड यहाँ पे स्कॉर्पियो, हम लोग जानते हैं जो चंद्रमा में अगर स्कॉर्पियो आ जाए ना, बहुत नीच का हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है आपके पार्टनर को, आपको भी डिप्रेशन है, और आपका पार्टनर का देखिए वो ना ये जो हालत है उससे आगे निकलने का कोशिश भी नहीं कर रहा है,
ऐसा हालत में पड़ा है, मगर आगे निकालने का कोशिश तो करेगा, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, एकदम ऐसे ही पड़ा है कि मुझे यही जिंदगी है, इसमें ही जीना है, ऐसा एक हालत में पड़े है। फिर भी उनके मन में कभी कभी बहुत मतलब फाइट होता है कि क्या करूं, एक तरफ प्यार है, एक तरफ ड्यूटी है, या कौन सा प्यार मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा एक्चुअली मेरे लिए सही होगा, सोसाइटी, फैमिली, एनीथिंग उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइटिंग चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। और आपका जो पर्सन है वो फिजिकली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, सेक्सुअली मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, उनको ये डिप्रेशन का एक कारण हो रहा है। देखिए ये एक डिप्रेशन का कारण हो रहा है कि आपसे मीट नहीं कर पा रहा है, फिजिकली आप लोग मीट नहीं कर पा रहे हो, ये इनके लिए एक डिप्रेशन है फिलहाल, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन के कारण बन रहा है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है एस ऑफ वर्ड्स, देखिए डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशनशिप है, ये टाइम चेंज होगा, पक्का ये टाइम चेंज होगा, करेंट सिचुएशन तो मैंने बोल ही दिया, ये टाइम का एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, उनको दिख भी रहा है कि हाँ मुझे जाना है, इन फ्यूचर मुझे यही रास्ता अपनाना है, मगर फिर भी उनको कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये सबका सेम देखिए, एक देखिए पिक्टोरियल वैल्यू देखिए, एक काप है डिवाइनली, हम लोग कबूतर को, पिजियन को एक डिवाइन का दूत मानते हैं, राइट, मैसेंजर मानते हैं, तो वो स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रही है रिलेशनशिप को, राइट। तो ये जगह में आप बहुत टेंशन में मत रहिए, टेंशन कम कीजिए, डिवाइन इज सपोर्टिंग यू फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। देन देखिए फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स में भी देखिए डिवाइन उनको गिफ्ट दे रहा है, मगर वो लेने के लिए अभी भी ठीक तरीका से तैयार नहीं है, वो उनको मालूम है आप ही गोल हो, आप ही सब कुछ हो, मगर लेने के लिए तैयार नहीं है, मगर डिवाइन उनको गिफ्ट देने के लिए रेडी है, दे रहा है, जो साइन दे रहा है, हो सकता है हजारों साइन उनको दे रहा है, वो निग्लेक्ट कर रहा है उस साइन को, हजारों साइन उनके सामने सिंक्रोनिसिटी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मगर वो एकदम निग्लेक्ट कर रहा है वो साइन को, ठीक है। इस हालत में उनका सिर्फ आपको फिजिकली मिलना है, वो इनके लिए बहुत तड़प रहा है, और ये मेन करंट सिचुएशन नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन भी है, और उनकी एक तरफ फैमिली सोसाइटी ये सब भी है, ये सब लेके वो अंदर ही अंदर फाइट कर रहा है, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड है, दिस इज अ गुड कार्ड, क्योंकि एक अचानक वो एक डिसीजन ले लेंगे, अभी जो हालत है ना इससे निकलेंगे, अचानक एक डिसीजन ले लेंगे, वो बाहर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वीन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल लव है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है बोल के लव नहीं है, नहीं, स्टेबल लव है, वो जब आएंगे ना बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपके सामने आएंगे, कमिटमेंट जो देंगे स्टेबिलिटी के साथ देंगे, ऐसा हवा में नहीं देंगे, इसीलिए वो सोच भी रहा है ये जगह। द एम्परर, एम्परर फादरली कार्ड होता है, फैमिली भी मान ले और वो भी बहुत केयरिंग होंगे आपके लिए इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये था पाइल वन का रीडिंग, और यहाँ का जो मुझे एनर्जी दिख रहा है नियर आफ्टर जुलाई ये चेंज आएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद से ये चेंज आएगा, मीट हो जाएगा, बात होगा शायद, मगर जो एनर्जेटिकली आपको चेंज चाहिए हो जुलाई अगस्त के बाद ही आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं ना, आएंगे आफ्टर अगस्त एक्चुअली ये जो चेंज है आएंगे, राइट। तो ये था पाइल वन का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, टैरो रीडिंग सीखना है, हीलिंग सीखना है, मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, आपको ट्विन फ्लेम एक्चुअली ट्विन फ्लेम क्या है जानना है, अदरवाइज आपको आगे जा ही नहीं पाएंगे, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्शन अगर पूरी तरह से क्लियर ना हो आगे जाना नामुमकिन है, आप इनर वर्क प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाएंगे, घूम फिर के आपके ट्विन के ऊपर आपका मन चला जाएगा डीएम के ऊपर, ठीक है। तो इस जगह में मैं मेरे पास अगर चाहो तो आओ, आई विल हेल्प यू कैसे इनर वर्क करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो, कोई सोल मिशन में जा सकते हो, आपका ट्विन मिल सकते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, प्लीज व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो कमेंट करते हो, न्यू न्यू आइडियाज देते हो, ठीक है। तो ये व्यूअर्स चॉइस है जिसमें मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हालत में आप लोगों को पाइल वन का रीडिंग समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन को भी आप जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों के पास आते रहेंगे। थैंक यू। पाइल टू मतलब जिन लोगों ने रेड कलर के फ्लावर पसंद किए थे उन लोगों के लिए आपका रीडिंग आज का।
क्या है आपकी पर्सन का करंट एनर्जी, आप जिनके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज का टॉपिक यही है, इसके लिए पाइल टू का कार्ड क्या आया हम देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वंड्स, फाइव ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंड्स, टेन ऑफ कप्स, द सन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वंड्स। ठीक है, एक्चुअली ये कार्ड को इधर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पाइल टू का जो कार्ड्स है इसका रीडिंग। ओके, देन पाइल टू में भी मैं एक्चुअली एनर्जेटिकली ना अभी बहुत ही मैं देख रही हूँ, मेरे पास इतना क्लाइंट्स आते हैं, मैं इतना क्लाइंट्स को डेली हैंडल करती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ ये एनर्जेटिकली ना एवरेज। दुखी मत होइए, आप इंडिविजुअली अलग, 99% लोगों का एनर्जी बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है, मगर एनर्जेटिकली ये ऊपर उड़ने वाले है। आप लोग ऐसा मत सोचिए ऐसा ही रहेगा, मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जेटिकली चेंज हो रहा है, हो जाएगा। अभी बहुत डाउन चल रहा है, मगर आप लोगों का अंदर में ब्लॉकेज भर भर के है। प्लीज क्लियर योर ब्लॉकेजेस, हील कीजिए। इतना बहुत लोग है कैसे डिप्रेशन में आते हैं, नेगेटिविटी, डिप्रेशन और कुछ नहीं होगा, रोना धोना, वो इतना चेंज हो जाता है ना, मेरे लिए वही सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट लगता है कि एक इंसान को मैं पूरा चेंज कर दिया, उनका डिप्रेशन से बाहर आ जाना। मतलब डिप्रेशन ऐसा बीमारी है, जिन लोगों का है उनको मालूम है क्या तकलीफ, जैसे चेस्ट पे कोई स्टोन रख दिया है, कोई चीज अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई स्वर्ग में भी भेजते तो अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ लगता है कि वो पर्सन कब फोन करेंगे, वो पर्सन कब बात करेंगे, वो पर्सन कब अपनाएंगे हमें। इससे आपको ब्लॉकेज क्लियर करना है, कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, सेल्फ लव बढ़ाना है, हीलिंग कीजिए अपने आप को। अगर अपना आप अपने आप को हो सके बहुत कीजिए, अपने आप खुद कर सकते हो, दैट इज वेरी फाइन। अगर ना हो तो कोई भी हीलर के पास आइए, मेरे पास आइए, कोई भी प्रॉपर हीलर जो है उनके पास जाइए, जाके हील कीजिए अपने आप को। आपका जो इनर चाइल्ड वुंड हील है वो हील कीजिए, उन जो है वो हील कीजिए, अभी का ब्लॉकेजेस है हील कीजिए। आपको सिर्फ प्यार नहीं पाना है, आपको करियर करना है, आपको सुंदर एक जिंदगी है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आपको जीना है। इससे आप बाहर निकल के आइए, ये ब्लॉकेजेस से सुंदर लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है, ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, तो पाइल टू का जो मैं रीडिंग देख रही हूँ, पाइल टू में भी देख रही हूँ कि आपका पर्सन और आप दोनों एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ सब साइन का हो सकते हो, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर कुछ भी आप और आपका जो पर्सन है वो हो सकते हो, हो सकते हो मतलब वही होंगे। ठीक है, पाइल टू में भी सेम कंडीशन देख रही हूँ, मतलब कॉन्फ्यूशन, फुल ऑफ कॉन्फ्यूशन, थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कॉन्फ्यूशन में भरा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वंड्स, खुद में फाइट करना, खुद का अंदर में सोच में फाइट करना, हाँ ऐसा एक जगह में खड़े है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों में, हाँ मुझे तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अदरवाइज फैमिली, अदरवाइज फैमिली। जैसे ये मैं फर्स्ट एक नंबर पाइल में मैं 100% श्योर मैरिड होगा या कोई कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर निकल के आपको आपकी तरफ जाने का एक ये है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अदरवाइज कमिटेड रिलेशनशिप, अदरवाइज फैमिली, ये सोसाइटी, ये एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है इधर। और अपने आप की बहुत बुरी तरह से फाइट चल रहा है अपने आप के अंदर, देखिए टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जागलिंग चल रहा है, कौन सा तरफ जाओ, एक जागलिंग, मन ही मन फाइट चल रहा है, क्या करूं, ये मुझसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हालत में है, बहुत डिप्रेशन है उनको, मालूम है। देखिए थ्री कप्स गिरा है, पिक्टोरियल वैल्यू पे देखिए, एक इंसान थ्री कप्स गिरा हुआ है, उनको मालूम है होपलेस कंडीशन, पीछे दो कप है, होपफुल हो सकते हैं, मगर वो भी पीछे करके खड़े है, देखिए डिप्रेशन लेके पीछे करके खड़े है, वो इसकी तरफ मुंह ही नहीं घुमा रहा है, ये एक हालत में आपका पर्सन अभी खड़े है, डिप्रेशन है, टोटली डिप्रेशन है। तो फूल कर, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना डिप्रेशन है ना, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए और एक सिचुएशन है सेवन ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ कप्स मतलब उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप में आऊं कुछ अच्छा है कुछ बुरा है एकदम मतलब ब्लाइंडली वो नहीं ले रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए एकदम मुझे सर लेके जाएगा एकदम बहुत खुश हो जाएंगे नहीं, उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप में आओ तो कुछ अच्छा होगा मेरे लिए कुछ बुरा होगा। आपको भी थोड़ा इल्यूमिनेटरी लगता है कि उनको लगता है कि ये आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है बहुत कुछ बुरा है, उनको बहुत चीज लगता है बहुत अच्छा। नेक्स्ट दिन आप ऐसा बिहेवियर कुछ कर देते हो या बोल देते हो तो उनको लगता है नहीं मुझे ये मुझे आ जाना चाहिए इसकी तरफ से। तो ये एक सिचुएशन में आपका जो पर्सन है खड़े है, प्यार तो है ही, आपका पर्सन शायद कम उम्र की कोई विद इन 30 कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है कम उम्र का भी हो सकता है ज्यादा उम्र का भी हो सकता है, मगर कभी कभी वो बचपना कर लेते हैं मगर आशा देखते हैं वो ये सब हालत में भी उनके मन में कभी कभी इन फ्यूचर देखना उनके मन में आशा होगा। देखिए वांट्स में छोटा छोटा प्लांट उग रहा है राइट एंड वो उनकी तरफ खड़े है मतलब उनकी आशा की किरणें देखेंगे वो, ठीक है। और आपको लेके फैमिली के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है प्यार प्यार आपके लिए फैमिली के लिए सोचेंगे वो। टेन ऑफ कप्स कमिटेड रिलेशनशिप होगा, शादी के लिए वो सोचेंगे कोई भी हालत में हो, डिवोर्स करके भी शादी के लिए सोचेंगे, शादी का बात हो जाए उस हालत से भी तोड़ के शादी के लिए सोचेंगे और आपके साथ एक शादीशुदा जिंदगी का फ्यूचर देख रहे हो। बार बार बोल रहे हो ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, क्लीन योर ब्लॉकेज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सिर्फ आप लोग अपना मन में इतना ब्लॉकेज भर भर के रख देते हो वो आपके पर्सन आके भी वापस ऐसा एक हालत में फंस जाते हैं। द सन कार्ड आया है जो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये टाइम का एक बहुत अच्छा से चेंज आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्टेबल लव आगे आएंगे कमिटमेंट करेंगे, ठीक है। और आपके लिए भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका पर्सन आपको एकदम अबंडेंस है ऐसा एक मतलब पर्सन सोचते हैं जिनकी बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस है इमोशनल अबंडेंस है आपसे वो खुश रहेंगे इन फ्यूचर ऐसा सोचते हैं मगर फिलहाल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें एनर्जेटिकली अक्टूबर आफ्टर अक्टूबर या अक्टूबर से पहले अभी तो ये सिचुएशन चेंज होना थोड़ा मुश्किल है मगर आप अगर अपने ब्लॉकेज क्लियर करो तो हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये जगह में खड़े होके ये था पाइल टू का रीडिंग, अभी काम नहीं कर रहे फ्यूचर में करेंगे आप अपने आप को हील करो। तो ये था और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हीलिंग चाहिए मैनिफेस्टेशन चाहिए ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए रेकी हीलिंग चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी, मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें व्हाट्सएप कीजिए, आई विल हेल्प। एंड आपको टैरो रीडिंग सीखना है हीलिंग सीखना है उसमें भी मैं चकड़ा हीलिंग मैं हेल्प करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए और पास में जो बेल आइकन है इसमें बिल्कुल दबाइए कि न्यू वीडियो का अपडेट्स आपके पास आते ही रहेंगे। कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो के नीचे। ओके थैंक यू। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर का फ्लावर पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो लॉकडाउन है नो कांटेक्ट है ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है तो ये हालत में आपका पर्सन आपके बारे में एक्चुअली क्या सोच रहा है ये आपको जानने का बहुत इच्छा हो रहा है मुझे मालूम है क्योंकि मेरा इतना कमेंट आता है। आज का जो है ये मैंने सोचा था करियर के लिए आज मुझे करना है, नेक्स्ट मैं करियर के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी मगर ये इतना व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास मैम प्लीज करंट फीलिंग बोलिए मैम प्लीज करंट फीलिंग बोलिए तो इसीलिए मैं मुझे ये करंट फीलिंग का जो आज सब्जेक्ट रखी हूँ फॉर व्यूअर चॉइस ओनली। ओके तो अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स द सॉर्ड टेन ऑफ सॉर्ड्स हैंगमैन नाइट ऑफ सॉर्ड्स थ्री ऑफ कप्स द वर्ल्ड कार्ड थ्री ऑफ वॉन्ड्स Ace of Pentacles, अच्छा Page of Pentacles, the Chariot and the Four of Wands, ठीक है। तो ये है पाइल 3 का जो कार्ड्स है वो।
एनर्जेटिकली मैं देख रही हूँ वर्ड्स है, सोर्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सभी है। मतलब आप लोग कोई भी साइन का हो सकते हो, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पीसीएस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर कोई भी आप और आपकी पर्सन होंगे। आज का देखिए, आज का मैं वही देख रही हूँ एवरेज, जो मैंने बोला ना मास का जो एनर्जी है इतना लो है, ये चेंज होगा। मास का एनर्जी मुझे बहुत लो लग रहा है, एवरेज। आई एम टेलिंग नॉट एवरीबॉडी, एवरेज मेरे पास जो आते हैं। आप देखिए कार्ड तो मैं ऐसा जस्ट शफल करके मैं रख देती हूँ, अभी देख रही हूँ, ठीक है। इसका जो एनर्जी है, किसी की भी एनर्जी टैपिंग करके, एवरेज का जो मस्त एनर्जी टैपिंग करके शफल करके मैं रखती हूँ। और अभी देखिए एवरेज सबका, देखिए ऑल एक साइन जो आ रहा है, जोडियक साइन आ रहा है, मतलब एवरेज एनर्जी ऐसा है। तो पाइन थ्री का देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका जो पर्सन है वो आपको ना थोड़ा चालू किस्म की लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ बिहेवियर आप कर चुके हो, वो बहुत हार्ट हुआ है, हो सकता है झगड़ा हो गया होगा, ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ एटीट्यूड दिख रहे हो, वो बहुत ही हार्ट है। टेन ऑफ सोर्ड्स, देखिए सोर्ड्स जैसे शरीर में बीतने के बाद कैसा हालत होता है, वो हालत में वो आपका जो पर्सन है, उनको लगता है कोई अच्छा पोजिशन में हो, ये हो, मगर आपको आपका कोई भी बिहेवियर उनके लिए एकदम बहुत ही पेनफुल हो गया है, तभी आप लोगों का जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, ठीक है। अब इसीलिए वो आपको बहुत मतलब जो कानिंग टाइप का जो है वो मानते हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है। ये अभी इनका जो अभी का जो सिचुएशन है ना, मुझे दिखाई दे रहा है वो अभी हैंगमैन सिचुएशन में है, प्यार है मगर उनको आपका नेचर से डर लग रहा है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, मगर फिर भी वो अभी पूरा हैंगमैन सिचुएशन में है, बहुत ही दर्द में है, बहुत ही दर्द में है, डिप्रेशन में है, उनको लग रहा है नहीं और नहीं बहुत हो गया है, ठीक है। इस जगह में वो खड़े है अभी फिलहाल। आपका जो पर्सन है नाइट ऑफ सोर्स, इतना इमोशन नहीं है, और नहीं तो इमोशन है बाहर में दिखाना नहीं चाह रहे, इमोशन को एकदम कंट्रोल करके रखे है, अदरवाइज वो एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते। बहुत लोग होता है इमोशन बहुत है, एक्सप्रेस करना नहीं जानते। बहुत लोग होता है इमोशन कम होता है, वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। आपका पर्सन वही टाइप का कोई इंसान है, मगर आपका बिहेवियर में दुखी होके अभी एकदम कन्फ्यूजन में पड़े हैं, हाँ। मगर इन फ्यूचर वो अभी देखिए उनको लग रहा है कि क्या करूं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, या सेकंड कोई चॉइस मेरे लिए सही है, हाँ। ये एक जगह में थर्ड पार्टी के लिए सोच रहा है वो कि ये सही है, नहीं तो आप थर्ड पार्टी में हो क्या, इसीलिए आपका पर्सन सोच रहा है कि मेरे जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है क्या, इसीलिए इतना ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ऐसा है। मगर आपको लेके सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, आपको लेके वो तो प्यार करते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, मगर इतने इमोशन को बाहर निकाल के दिखाना उनको पसंद नहीं है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी मत करो ऐसा कुछ होगा। द वर्ल्ड कार्ड बोल रहा है कि आप अभी इनकी तरफ जो एनर्जी दे रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, ये हो रहा है, ये थोड़ा बंद कीजिए। देखिए डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशनशिप है, ये सब पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। डिवाइन ऑलवेज हेल्पिंग यू बोथ, तो ये हालत में आप थोड़ा एनर्जी देना बंद कीजिए और देखिए थोड़ा ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आइए, ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, बाहर आइए, खुद के ऊपर खुद कंसंट्रेट कीजिए, सेल्फ लव बढ़ाइए। तो ये एक जगह आएगा जिसमें आप लोग, ये आपका पर्सन एक्चुअलिटी समझ में आएगा, उनको लग रहा है कि आपने चीट किए हो या खुद खराब बिहेवियर किए हो, एक्चुअली शायद आप नहीं किए हो मन से, उस जगह से आप भी गिल्ट से हट जाइए, हट के अपने आप को हील कीजिए ना, ये सिचुएशन का चेंज हो जाएगा, ये सिचुएशन का बहुत जल्द चेंज आ जाएगा, बहुत जल्द ना भी हो एक चेंज तो पक्का आएगा, स्टेबल चेंज आएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, देखिए सेम आपको मतलब आउटकम कार्ड, आप बाहर आएंगे, ये जो प्रॉब्लम है इससे बाहर आपके पर्सन भी आ जाएंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स अभी मैंने बोला, डिफाइनली गाइडेड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन है आपको तो इन फ्यूचर कुछ गिफ्ट देना, आपको प्यार का कमिटमेंट करना, और ये चाहते हैं कि वो प्यार की कमिटमेंट करे, एक्चुअली प्यार की कमिटमेंट करे, आप लोग एक साथ हो, मन ही मन चाहते हैं मगर फिलहाल तो डर की मरे और दुखी होके आगे आने में डर रहा है, ठीक है। द चैरियट, मैंने बोला ना आफ्टर जुलाई एक टाइम आएगा जिसमें वो
कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप लेके आपके पास आएंगे। आप अगर सही दिशा में अपने आप को हील करो, वो कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप लेके, जैसे देखिए ओरियर कोई आ रहा है, मतलब फाइट करके जीत के उससे आ रहा है, ठीक है, इनका जो सिचुएशन है इससे वो जीत के आपकी तरफ आएंगे कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप लेके। एंड द मैरिज कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स, इन फ्यूचर वो आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, ठीक है, एक स्टेबल मैरिज का कमिटमेंट वो देंगे। तो ये था पाइल थ्री का जो रीडिंग है, इसमें भी मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत एनर्जेटिकली अभी लो है, बाद में सही होगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि तीन है और तीन कार्ड में ही पॉजिटिविटी है इन फ्यूचर, ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी का एनर्जी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाद में एक आउटकम है, मगर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हैंड। अब ब्लॉकेज क्लियर करो, हीलिंग करो, इनर वर्क करो, देखना हर चीज का अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओ, तब जाके हर प्रॉब्लम का एक सॉल्व बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये था पाइल थ्री का रीडिंग, आपको होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, रेकी हीलिंग चाहिए, टैरो रीडिंग सीखना है, हीलिंग सीखना है, और तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, आज का रीडिंग मैं कमेंट के हिसाब से जो व्यूअर चॉइस है इसमें कर रही हूँ। सब मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैम मुझे करंट फीलिंग जानना है क्योंकि बहुत ही डाउन लग रहा है, इसीलिए किया। कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट से ही मैं आप लोगों से मुझे कनेक्शन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कमेंट सुन के। जब आप लोग हैप्पी होते हो, आप लोग मेरा हीलिंग के बाद भी हो जाता है, बाद में सब बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक्चुअली आई नीड दिस ब्लेसिंग, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, न्यू वीडियो का अपडेट्स आपके पास आते ही रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।